कबीर, माँ को पता भी नहीं है कि हमारे रिपोर्ट कार्ड जा चुके हैं। हम मानसिंह के ऑफिस में जाकर उस श्रेडर से हमारे रिपोर्ट कार्ड का नाश कर सकते हैं। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि माँ मेरा रिपोर्ट कार्ड देखे। तुझे ऐसे जीने में मजा आता है? तेरे साथ जीने में कोई मजा नहीं आता है। फिर ठीक है, माँ को कह देना ये हम दोनों की तरफ से। ए, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है, रिपोर्ट कार्ड है। साहब जी, क्या आपने वो मेरा जुकाम वाला नुस्खा ट्राई किया? जंग बहादुर, मैं तुम्हारी गाय से नुस्खे नहीं लेने वाला हूँ। गाय नहीं साहब जी, आई नो अ गाय, आदमी आदमी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपको घर पे जाके आराम करना चाहिए। राजमहल ही मेरा घर है। मेरे घर पर हमला हो रहा है। ओ साहब, ओ साहब, ये तुम्हारा है? नहीं नहीं, आपने कुछ गलती की रहेगी, ये पर हो ही नहीं सकता। आपके पास क्या सबूत है? करण जायसवाल, क्लास 5B, रिजल्ट फेल। तो फिर ये मेरा ही होगा। मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है, ये होटल तुम्हारे खेलने और लटकने की जगह नहीं है। तुम दोनों ने मेरे नाक खुशबू फैला दी है और ये राजमहल को स्पोर्ट जैसा बना दिया है। अब हमें इस शुभ काम के लिए आइसक्रीम सड़ने खिला रहे हैं। थैंक यू मिस्टर मानसिंह, यू आर द बेस्ट। सुन सुन सुन, मॉम को रिपोर्ट कार्ड के बारे में मत बताना प्लीज। ठीक है। हाय बॉयज, आज स्कूल में क्या किया? रिपोर्ट कार्ड। सॉरी, गलती से निकल गया। वाओ, सारे सब्जेक्ट्स में पास? हाँ माँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब में पास, और म्यूजिक में तो पास। करण, बहुत थकान आ रही है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। यहाँ आओ, इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। ये कहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, ये लो। इसे पढ़ने से पहले मेरे पास एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि मैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस में फेल हो चुका हूँ। और अच्छी खबर यह है कि मेरे पास और कोई बुरी खबर नहीं है। ये मजाक नहीं हो रहा है करण जायसवाल? करण जायसवाल सारे सब्जेक्ट्स में फेल? लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ ना। तो फिर यहाँ तुम्हारी टीचर ने क्यों लिखा है कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए? और तुम सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स ला सकते थे। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने और मेहनत नहीं की ना, तो ये आने वाली छुट्टियों में नो वीडियो गेम्स, नो टीवी, खाना भी नहीं मिलेगा। चलेगा? मेरा मतलब है सिर्फ वेजिटेबल्स, और वो भी कद्दू और करेला। कद्दू और करेला ये कैसी अजीब सी चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये हाथी है। तो फिर ये क्या है? इसे चेस कहते हैं। पता है, लोग ये खेल पिछले 5000 साल से खेल रहे हैं और अभी तक कोई नहीं जीता। ओ, हेलो मानसिंह जी, कैसे हो? हाथ में खुजली हो रहा है। मुझे पता है, आलू। हाँ, आलू का खुजली से क्या लेना देना है? जब भी मैं आलू खाती हूँ तो मुझे खुजली होती है। स्टूपिड। मुझे नाचना ये कहना चाहते हैं कि इनकी आवाज चली गई है। नहीं, ये कौन से पिक्चर का नाम है? और ये
कैसी दमशरा से। उफ। अब ये हमको लिखकर बताएंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। अगर साहब जी ने हमारा स्पेशल गर्मा गर्म करेला और अंडा जूस पिया होता तो ये कभी ना होता। लेकिन ये सुनते कहाँ हैं? जब भी देखो अपने धुन पे नाचते रहते हैं। अब ये अपने दिमाग के किसी कोने से एक महान विचार प्रकट कर इस पेपर पर लिख के हमको देंगे। बकवास बंद कर जंग बहादुर। फिर से यार हमें अभी तो हमारे रिपोर्ट कार्ड्स मिले और स्कूल के नियम के अनुसार हमें दो टेस्ट के बीच में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। पता नहीं ये हमें पढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं। क्योंकि ये एक स्कूल है यार। मुझे छुट्टियों में सिर्फ सब्जियां नहीं खानी और वो भी कद्दू और करेले की, और तेरी बोरिंग बातें भी नहीं सुननी है। इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा है ना, और वो है पढ़ाई। तू नहीं समझेगा। ऑल इज वेल राजेश बेटा। हाँ, तुम घबरा तो नहीं रहे हो ना? हाँ, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, देखो मेरा मतलब है कि तुम मेरे स्पेशल क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो, कुछ भी करना, लेकिन घबराना मत। हाँ? मैं घबरा नहीं रहा हूँ मिस्टर शर्मा। अच्छा अच्छा। मैं भी बिल्कुल घबरा नहीं रहा। आपके पास हल्की है क्या? पसीना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं तो बस अपने पुराने क्लास में वापस आकर खुश हूँ। बट आर यू रेडी फिर से नॉर्मल क्लास में स्टडी करने के लिए? क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा है? मुझे भरोसा सब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें भरोसा सब पे भरोसा है? शायद, लेकिन आपको अपनी कॉफी में थोड़ी कम चीनी डालनी चाहिए। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे टीचर से मिलके आता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हें टेस्ट में ज्यादा टाइम दे, ठीक है? और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है? सर। ओह दिस वे। राजेश ना, तुम्हें अपने एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, क्या जुगाड़ किया? मुझे डिस्लेक्सिया है। ओह प्लीज कहो ना, ये छूने से फैलता है। नहीं, डिस्लेक्सिया तब होता है जब किसी को पढ़ने लिखने में तकलीफ हो, जैसे ABCD और नंबर्स। दिमाग में सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। आई एम सॉरी, पर तुम्हें टेस्ट में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, तो हो गया ना बैलेंस एकदम। राजेश बेटा, ऑल द बेस्ट। हां, डिस्लेक्सिया? मुझे नहीं पता था कि लोगों को मेरी तरह पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है। तो दिमाग भी सब घूमते रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। एक्सक्यूज मी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम्हें भी पढ़ने लिखने में डिफिकल्टी हो रही है, am I right? मुझे उसके बारे में बात करने को अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने पर भरोसा नहीं करता हूँ। It's absolutely normal. हाँ? मेरा मतलब है कि बुरा लगना कोई बुरी बात नहीं है। क्या ये हमेशा इतना ही बोलता है? हाँ। Excuse me, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? करण। देखो करण बेटा, तुम्हारी टेस्ट खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो जाएगा, तब तुम मुझे आकर ऑफिस में मिलना, मैं तुम्हारा केस स्टडी करूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, पहली बार को मेरी लाइफ में चिराग बन के आया सर। सी यू आफ्टर क्लास, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी सर। ओह दिस वे। यस यस यस। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ आ रही है। सच्ची? नहीं। तुमने देखा मेरा मोटू सिपाही तुम्हारे राजकुमार को कैसे घूर रहा है? Oh no! Checkmate! Checkmate? ये अच्छा है या बुरा? अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकती कि तुमने मुझे हराया। ये नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। क्यों नहीं हरा सकती? क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से नहीं हार सकती जो अपने हाथी को मोटू सिपाही बुलाती है और अपने वजीर को बबलू सिकंदर। ये वजीर क्या है? तुम्हारा बबलू सिकंदर। देखा, तुम धीरे धीरे सीख रही हो। नहीं, चेस एक इंटेलिजेंट गेम है और तुम वो नहीं हो। शायद तुम जितना सोचती हो ना, मैं उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंटर हूँ।
फिर से लेट हो गया। कौन सी साहब जी? आप कुछ कहना चाहते हैं साहब जी? किसी को डांटना चाहते हैं साहब जी? मेरे को बताइए साहब जी, मैं एक राक्षस हूं, लिखी बताएंगे साहब जी? तुम आज फिर से लेट आए जंग बहादुर। जंग बहादुर, मुझे माफ कर दो साहब जी, लेकिन अच्छा, तुम आज फिर से लेट आए, मुझे और बहाने नहीं सुनने। जंग बहादुर, ऐसा पहले भी काफी बार हो चुका है, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं साहब जी, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब जी, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चों का क्या होगा, तब होंगे तो सही। चलो रखो अपनी नौकरी। नहीं साहब जी, अब मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता, मुझे तो बच्चे भी पसंद नहीं। मैं ऐसी जगह जाके काम करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी कोई इज्जत हो। ओए देखो जंगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना साहब जी को तुम्हारी कितनी जरूरत है। चलो आज से तुम्हारी तनख्वाह डबल। आप बहुत अच्छे से इंसान हो साहब जी, बहुत ही अच्छे इंसान हो साहब जी। साहब जी आपको गुस्सा आ रहा है? साहब जी हाँ के लिए एक बार, ना के लिए दो बार। एक्सक्यूज मी साहब, फिर से सर। वेल मिसेस प्रिटी, स्कूल के साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करने के बाद और करण के टेस्ट के रिजल्ट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद करण की दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है। क्या करण वाकई दिमाग से थोड़ा कमजोर है? थैंक गुडनेस। मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं, काफी बार सुन चुका हूँ। तो क्या मैं डिसलेक्सिक है? हुआ मुझे ऐसा रहा है लग, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए करण स्कूल की टेस्ट में अच्छी तरह से पास नहीं हो रहा है, बेचारा करण, कितना प्रेशर होगा इसके दिमाग पे। बिल्कुल, मेरी सोच आपकी सोच से बिल्कुल मिलती है, हालांकि मेरी सोच थोड़ी उल्टी पुल्टी है। करण, I'm so sorry कि मैंने तुम्हें डांटा, मैं कितनी बुरी मॉमी हूँ। मुझे सांस लेने दो। प्रीति जी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा मतलब है आपसे थोड़ी बहुत गलती हुई है, इसलिए आपको थोड़ी गलती मान लेनी चाहिए। मेरा मतलब है आपसे इतनी ज्यादा भी गलती नहीं हुई, आखिर वो आपका बेटा है। क्या आपको भी ये गलती शब्द अजीब लगने लगा है? मॉम, आप हम दोनों में से किसको सबसे ज्यादा प्यार करती हो? साफ साफ दिखाई दे रहा है। माँ, मैं डिसलेक्सिक तो हूँ, अब मुझे मोटा भी बनाओगी क्या? बेटा मैंने तुम्हें डांटा ना, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। माँ कोई बात नहीं, अब मुझे 100 बार सॉरी कह चुके हो। नहीं इस बार सॉरी कह रही हूँ क्योंकि ये चॉकलेट सिरप भी खत्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेके आती हूँ। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस डिसलेक्सिक वाले नाटक से सबको बेवकूफ कैसे बनाते हो। तुम्हें पता है ना ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। पहली बात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। दूसरी बात, मेरा प्लान चलेगा नहीं, दड़ेगा। तुमने ये किया कैसे? सिंपल, राजेश ने मुझे बताया डिसलेक्सिया क्या होता है और थोड़ा बहुत मैंने लाइब्रेरी से ढूंढ लिया। तुम रात को सोते कैसे हो? सच यार, मुझे बुरा लग रहा है। सच्ची? नहीं। हाँ, मुझे वो डायमंड सेट बहुत पसंद आया, लेकिन उस वक्त ना मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स मेरे लूची वाले बैग में थे। ये लो। तो फिर मैंने डैड को फोन किया,
और डैड ने बैंक के डैड को फोन किया और वो डायमंड सेट यहाँ डिलीवर हो गया। अब चेक। और तुम्हें पता है प्रिंसेस को भी वो सेट बहुत पसंद आया तो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया और अपने लिए एक और मंगवा लिया। अब हम प्लान करें कि हम दोनों एक साथ सेम टी पर पहनेंगे, कितना मजा आएगा ना। ये लो। तुमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा ना। एक मिनट, तुम्हारी आंखों में फाइनली डर दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें अपनी टर्न के बाद फोन करती हूँ। चेकमेट। जानी रुको, अब बेस्ट ऑफ फाइव। तुम ये गेम और कितनी बार खेलने वाली हो? जब तक मैं जीत नहीं जाती। तब तक तो सारे डायनासोर मर चुके होंगे। मानसिंह जी, ये देखिए मैं अपनी नानी की नानी के नानी के दादी के नानी के दादी के घर से ये बंद गले की दवाई लाया। आज रात को आपको गाय के दूध में नहाना होगा, उससे पहले ये लीजिए आपके लिए सेहत वाली मफलर। और सेहत वाले ग्लास। एक मिनट मानसिंह जी, ये आपको बहुत पसंद आएंगे, सेहत वाले मोजे। वाह। और ये लकवे वाली टोपी आपको नहीं चाहिए होगी। मानसिंह जी, अब आप एक पैर पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथ ऊपर कीजिए और कूदना शुरू कीजिए। मानसिंह जी मजाक कर रहा था, मैं आपको बस नचाना चाहता था। अब ये आखिरी नुस्खा मानसिंह जी, आखिर में ये लीजिए मानसिंह जी, पकड़ी पकड़ी, सेहत वाला काढ़ा, ये छिपकली की पूंछ और कॉकरोच के पंख से बना है, पीजिए पीजिए, पूरा पीजिए वरना सेहत वाली चॉकलेट नहीं मिलेगी। अच्छा लग रहा है ना। लगता है सेहत वाला तकिया पहले देना चाहिए था। ओए, तुझे होमवर्क नहीं है क्या? है ना, लेकिन मिस्टर शर्मा ने कहा जितना हो सके उतना ही करना। लेकिन तूने तो अभी तक कोशिश भी नहीं की। हाँ यार, तू सही कह रहा है, कितना मुश्किल है। लो, हो गई कोशिश। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम बचकर इतनी आसानी से निकल गए। तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? लग रहा है यार। सच्ची? नहीं। करण, देखो मैं तुम्हें दोबारा सॉरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं विनी की दुकान से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाह, जादुई चमत्कारी बारिश पार्ट 3। न्यूज़पेपर में तो लिखा है ये धुआंधार सनसनी केस हैरत अंगेज बारिश है। ए? मुझे तो लगा कि तुम डिस्लेक्सिक हो और तुझे पढ़ने में तकलीफ होती है। हाँ कबीर, करण को पढ़ने में तकलीफ होती है। हाँ माँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने धुआंधार सनसनी केस हैरत अंगेज इतनी आसानी से पढ़ लिया। गुड पॉइंट। वो तो बस इसीलिए क्योंकि मैं इसे 2-3 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए पहले मुझे ये बहुत मुश्किल लगा, लेकिन फिर मैंने इसे याद कर लिया। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि हम डिसलेक्सिक बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है। अच्छा, और तुझे तो मेरा जन्मदिन भी याद नहीं जबकि हम दोनों जुड़वे हैं। माँ, कबीर मेरी किल्ली उड़ा रहा है। कबीर, करण को परेशान मत करो। अरे वाह, ये कहने में काफी अजीब लगा। जंग बहादुर साहब जी। जंग बहादुर साहब जी। जंग बहादुर, मैं यहाँ हूँ। साहब जी, आपका आवाज फिर से खुल गया साहब जी। इसका मतलब मेरे नानी का नानी का नानी का दादी का नानी का दादी का दवाई काम कर गई साहब जी। और चक्कर की पूंछ भी। कैसी हैं आप? मिस्टर चिंतामणि, आपकी पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या मेरे मुंह से बू आ रही है? बिल्कुल साहब जी, 5 दिन का मरा हुआ छिपकली जैसा। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि इसका मतलब दवाई अपना काम कर रही है साहब जी। जंग बहादुर,
ये भूख कब तक जाएगी? साहब जी एक हफ्ता, एक महीना, तीन महीना भी लग सकता है साहब जी, तब तक आप डॉक्टर को दिखा दीजिए साहब जी, और ये लीजिए, तब तक शायद इससे भूख कम हो जाए। चंद बहादुर ये चेकमेट, मैं जीत गई, ये प्लीज आज ऑटोग्राफ्स नहीं, बेबी बिजी है। बधाई हो, बाद में मिलते हैं, बाय। एक मिनट रानी रुको, तुमने मुझे जीतने तो नहीं दिया ना? नहीं तो फिर प्रूव करो, चलो एक और गेम खेलते हैं। नहीं, तुम इतनी बुरी तरह जीतना क्यों चाहती हो? क्योंकि अगर मैं होशियार नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तुम भी नहीं हो जो बहुत होशियार है, बस चेस में थोड़ी कमजोर है। थैंक यू। तुम पढ़ाई में, मैथ्स में और दुनिया की हर फालतू और बेकार चीज में मुझसे बेहतर हो। हम दोनों ना बड़ी अलग अलग टाइप की होशियार हैं, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम ठीक ही कह रही हो रानी, मैं बस चेस में तुमसे ज्यादा होशियार नहीं हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। रानी रुको, लूडो खेलोगी? नहीं। अच्छा सांप सीढ़ी? सांपों की भाषा में नहीं। अच्छा हेड्स या टेल्स? ओके हेड्स। करण, राजेश। वाह, 9/10 बैंगल टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और करण, लाइफ कितनी जल्दी बदलती है। खुद से बात कर रहे हो? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी टीचर मिस्टर शर्मा ने मुझे बुलाया है तुम्हारी पढ़ाई देखने के लिए, और पता है आज तुम्हारी कैंटीन में पाव भाजी मिल रही है। करण बेटा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे फोन किया था और मैंने उन्हें फोन पे बताया कि हमारा करण क्लास में कितना तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना उन्हें एक नमूना दिखाए। हाँ चलो, ये जरा पढ़ के बताओ बेटा। सर मुझे शर्म आती है। ओह कम ऑन करण, डोंट बी नर्वस, जरा कोशिश तो करो, कम ऑन। एग्जाम आने में रात जाता था और इसे 9/10 मिले, ये तो सब उल्टा फुल्टा लिखा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, जरा ये पढ़ के बताओ बेटा। एक जमाने में एक राजा हुआ करता था, वो और उसके सिपाही एक दिन हैरत अंगेज जंगल में गए थे, जहाँ उसके सामने प्रकट हुआ एक शेर। ओह ये भी पढ़ जाओ, ठीक है सर। और तुमने कितनी आसानी से पढ़ के दिखाया, वाओ वाओ। वैसे तुम्हें डिसलेक्सिया हो ही नहीं? सर मैं ठीक हो गया। और सर आपने क्या कमाल किया, सर मैं अपने सारे डिसलेक्सिक फ्रेंड्स को बताऊंगा कि आपने मुझे ठीक किया है। बाय सर। ओके, मैंने सोचा कि अगर मैं डिसलेक्सिया का नाटक करूंगा तो मुझे एग्जाम के वक्त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। I mean, आप लोगों के लिए कितना आसान है। हाँ क्यों नहीं, सारे लेटर्स उल्टे फुलटे हो जाते हैं, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, और क्रिकेट में तुम मैं बैट सीधी भी नहीं पकड़ सकता। डिसलेक्सिया की वजह से तुम्हारे क्रिकेट पे कोई असर नहीं पड़ता। सर पूरा रिदम उड़ा दिया। करण ये बहुत गंदा जोक था। मॉम आप हमेशा कबीर की तारीफ करते रहते हो कि कबीर कितना होशियार है, उसके मार्क्स कितने अच्छे हैं, ये है वो है। करण तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें कबीर का कोई दोष नहीं है। करण तुम बहुत होशियार लड़के हो, बस तुम थोड़े आलसी हो। सर क्या इसका भी कोई स्पेशल क्लास है जो दोपहर के 2 बजे के बाद स्टार्ट हो? फिकर मत करो, हमारी स्कूल तुम्हारे मार्क्स पाने के लिए कुछ भी मदद करेगा। तो क्या मुझे अपने असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा, पूरा वेकेशन। सब्जियों का महीना। सॉरी मॉम। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा सर। आई एम सॉरी क्लास। सॉरी राजेश। थैंक यू।
कहा था ना तेरा ये प्लान चौपट होने वाला है। अब तेरे होमवर्क में कोई मदद नहीं करेगा, तुझे ये अकेला करना पड़ेगा, बिल्कुल अकेले। अच्छा तू इतना होशियार है तो बोल पानी का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, H2O। और नमक का SLT है ना? अरे नहीं यार वो तो NaCl है। नहीं मुझे तो लगा नमक का O2 है। वो तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ओ थैंक यू यार तूने मेरा होमवर्क कर दिया।